So finally, we are live here and we have so many offers coming live. Very good to see you all after long time. I know Friday lectures resume करना काफी time से चल रहा था and this is the day I decided to start with Friday lectures, friends. I CA Prashant Sarda welcome you all to our Friday sessions and today's topic is mutual funds. Understanding mutual funds काफी बार आपने सुना है दोस्तों, mutual funds सही है. तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि वेदर म्यूचुअल फंड इज सही और नॉट. लेट अस क्विकली हैव आवर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर टुडे, दैट इज म्यूचुअल फंड. सो फ्रेंड्स, मेनी ऑफ अस वर्क सो लाइफ लॉन्ग हार्ड जस्ट बिकॉज वी प्लान आवर रिटायरमेंट. ऑब्वियसली आर यू थिंकिंग अबाउट योर रिटायरमेंट लाइक दिस और यू रियली वॉन्ट टू हैव रिटायरमेंट लाइक पिक्चर नंबर टू. So, दोस्तों दो तरह के रिटायरमेंट प्लानिंग आप देख सकते हो. हर कोई पिक्चर नंबर टू जैसा प्लान करता है बट काफी लोगों का रिटायरमेंट जो है वो पिक्चर नंबर वन जैसा बन जाता है. Why is it like this, दोस्तों क्यों ऐसा होता है? Let us understand, friends, because retirement number one is planned, तो हर कोई सोचता है मेरा पैसा मेरे काम में आएगा एज अ पेंशन. बट दोस्तों काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि रिटायरमेंट वाली लाइफ में वो एज में स्टिल वी आर वर्किंग फॉर मनी. So today's topic is mutual fund. I CA Prashant Sarda welcome you all to this wonderful session of understanding mutual fund. A very simple way how mutual fund works. कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट दोस्तों सोचे समझे बगैर नहीं करना चाहिए. इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड को समझ लेते एक बार. ये पिक्चर आपको काफी आइडिया दे देगा म्यूचुअल फंड क्या है. अगर इस पिक्चर में आप अच्छे से देखोगे तो अलग अलग इन्वेस्टर्स है यहाँ पर जिन्होंने अपना पूल ऑफ मनी यहाँ पर लाया है एंड म्यूचुअल फंड की ये जो पूरा पैसों का पैकेट है उसमें वो पूरा पूल ऑफ मनी जा रहा है और वो संदूक बंद हो रही है और वो संदूक किसी और को दी जा रही है जिनके नाम के आगे लिखा है AMC. AMC stands for Asset Management Company. दोस्तों ये पैसा जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी रेडी है टू टेक ऑफ. टू टेक ऑफ मीन्स अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और वो इन्वेस्ट कर देता है इन दिस पिक्चर. बट दोस्तों यहां पर कोई ग्रुप ऑफ पब्लिक है जो देख रहा है कि ये पैसा कैसे इन्वेस्ट हो रहा है. सो ये ग्रुप ऑफ पब्लिक को हम बुलाते हैं दोस्तों ट्रस्टीज हु मॉनिटर द AMC. इन्वेस्टर का पूल ऑफ मनी AMC के पास जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है. हमने भरोसा किया म्यूचुअल फंड पर और इन्वेस्ट कर दिया. दोस्तों वो पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हैंड ओवर किया गया और एसेट मैनेजमेंट कंपनी रेडी है हमारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. एंड दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखने के लिए यहां पर है ट्रस्टीज जो कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं AMC को. सो आई थिंक दिस पिक्चर इज वेरी मच क्लियर शोइंग यू व्हाट म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट. लेट अस डीपली अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड के बारे में. पार्टीज इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पार्टी तो ये हंसता खेलता इंसान है, दैट इज इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड. But investments are subjected to market risk and you need to be very careful when you become an investor in mutual fund. Sirf ad pe mat jao, mutual fund sahi hai. Dosto, mutual fund tab sahi hai jab aap mutual fund ke baare mein jante ho. Isliye ye investor jo sabse pehla party hai apne mutual fund mein, inka paisa mutual fund ke paas jata hai. To second important party in mutual fund is mutual fund itself, which acts as a trust because aapne bharosa kiya mutual fund par. मैंने भरोसा किया म्यूचुअल फंड पर तो म्यूचुअल फंड इज एक्टिंग एज अ ट्रस्ट फॉर अस एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड. बट दोस्तों क्या म्यूचुअल फंड हमारा पैसा आगे इन्वेस्ट करता है? तो दोस्तों ये आंसर है नहीं. म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है दोस्तों. म्यूचुअल फंड अपॉइंट्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी कॉमनली नोन एज फंड मैनेजर्स एंड फंड मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है और फंड मैनेजर वो लोग होते हैं दोस्तों जिनको मार्केट का पूरा इंफॉर्मेशन है एंड वो लोग कंटिन्यूअसली मार्केट को मॉनिटर कर रहे हैं. म्यूचुअल फंड इज गिविंग मनी टू देम एंड दे आर इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड. सो इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है. ओके, देन फ्रेंड्स वी हैव अनदर पार्टी इन्वॉल्व विच इज कॉल्ड एज ट्रस्टी. आपने पिछले वाले पिक्चर में देखा कि ट्रस्टी का क्या रोल होता है. So trustees are the people who keep continuously a watch on asset management company और वो देखते हैं कि asset management company अपना काम बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो दोस्तों investor के funds को protect करने का काम trustee करते हैं क्योंकि mutual fund के objective के हिसाब से पैसा invest हो रहा है या नहीं हो रहा है ये काम trustee का होता है. Right?
Next party is the most important party who sets up mutual fund, that is sponsor. Who is sponsor, दोस्तों? Sponsor एक ऐसे people या group of people हो सकता है जिन्होंने person या group of people हो सकता है जिन्होंने mutual fund setup किया है. अब दोस्तों ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड सेटअप हो गया और वो पैसा लेके गायब हो गए या उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर दिया. इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, द स्पॉन्सर शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट 40% टू द नेटवर्थ ऑफ म्यूचुअल फंड. इसका मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका लगभग 40% जो है वो स्पॉन्सर्स इन्वेस्ट करते ताकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए. सो दोस्तों दीज आर स्पॉन्सर्स. They are very very important because they set up the mutual funds. Now this was all about basic of mutual fund. कुछ important समझ लेते हैं. What are the advantages of mutual fund? काफी बार आपने सुना रहेगा कि ठीक है mutual fund में investment कर, share market की जानकारी नहीं है mutual fund में investment कर. तो mutual fund के advantages क्या है? सबसे पहला advantage मिलता है दोस्तों professional management. क्योंकि आपका जो फंड मैनेज कर रहा है वो बहुत ही प्रोफेशनल टीम है जो कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट मार्केट को वॉच कर रहा है, अलग अलग सेक्टर्स को वॉच कर रहा है और फिर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वहां पर. दूसरा यहां पर एडवांटेज ये है कि इतना बल्क वॉल्यूम ऑफ मनी अलग अलग पब्लिक से मिल रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहा है यहां पर. यहां पर जो म्यूचुअल फंड चलाने को खर्चा लगता है, जो मेन खर्चा है फंड मैनेजर का सैलरी, वो डिवाइड हो जाता है इतने सारे इन्वेस्टर्स के पैसों के अंदर. एंड डेफिनेटली पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड जो कॉस्ट आता है दोस्तों वो मिनिमम आता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आपका पैसा डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 भी इन्वेस्ट करते हो, 50,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. देयर इज नो लिमिट हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट, बट मिनिमम इज 500. Now friends, when I say that I am investing only 500, can I buy Reliance Industries share? Obviously not. But when I give 500 rupees to mutual fund is taking so much quantum of money from different people and it has now a pool of money and it has decided to invest some part in, you know, Reliance Industries, some part in TCS, some part in Wipro. So our money is diversified way mein investment ho raha hai and mere 500 bhi alag alag jagah thode thode bat rahe and sabhi ka returns mujhe mil raha hai. So that is called diversification, friends. Next is convenience. Mutual fund में investment करना बहुत ही convenient है और mutual fund company को select करो, अच्छे fund manager को देखो और conveniently आपका पैसा आप mutual fund में invest कर सकते हो. Friends, transparency होती है mutual fund का क्या NAV चल रहा है. हम लोग ये भी देखेंगे कि NAV क्या होता है, net asset value. So NAV मतलब in short price, mutual fund का price क्या चल रहा है, कितना price बढ़ा कितना घटा, आप म्यूचुअल फंड बेचोगे तो आपको कितना पैसा आएगा, हर इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली वहां पर होता है. एट द सेम टाइम दोस्तों म्यूचुअल फंड ने कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कितना क्वांटम का किया है ये भी ट्रांसपेरेंसी के तौर पे इन्वेस्टर को बताया जाता है. सो दोस्तों देयर इज एटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्वड एंड आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लिक्विड होता है दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हो आप और वो पैसा आप यूज कर सकते हो. सो म्यूचुअल फंड आपको एक और एडवांटेज दे रहा है यहां पर कि पैसों की जरूरत है तो बेच दो, लिक्विडेट कर दो आपके इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम. सो दैट लिक्विडिटी फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व. एंड फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स आर वेल रेगुलेटेड बिकॉज दे कम अंडर द गवर्नेंस ऑफ सेबी. म्यूचुअल फंड्स आर रजिस्टर्ड विद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो दोस्तों हमें चिंता करने की बात नहीं है, इट्स अ वेल रेगुलेटेड मार्केट. बट फ्रेंड्स एवरी कॉइन हैज सेकंड साइड ऑल्सो. ये तो हमने एडवांटेजेस देखे, व्हाट अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड. हाइलाइटिंग डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला फीस. म्यूचुअल फंड का दोस्तों फीस जो है वो होता है आपके लिए चार्जेस. म्यूचुअल फंड के चार्जेस ऑब्वियसली दिस कैन एक्ट एज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर अगर आप खुद से पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई फीस नहीं भरनी है, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे तो फीस लगेगी. दूसरा है लेस कंट्रोल ओवर योर टाइमिंग्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द गेन. आपको कौन से शेयर्स बेचने और खरीदने, ये नॉर्मली आप खुद पर, खुद के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप खुद डिसाइड करोगे. बट दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू कैन नॉट डिसाइड व्हेन टू सेल द कंपनीज शेयर. यू कैन डिसाइड आप म्यूचुअल फंड कब बेचना है, बट यू कैन नॉट टेल द म्यूचुअल फंड कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्रीज बेच दो. अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड टीसीएस में इन्वेस्टमेंट किया है, नाउ इट्स नॉट इन योर हैंड कि आप ये नहीं बोल सकते हो कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बेच दो. दैट मींस ये टाइमिंग ऑफ गेन जो है ये आपके हाथ में नहीं होता है. एंड लास्ट डिसएडवांटेज दोस्तों कि आपका इनकम अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि
कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हाथ में होता है। सो दोस्तों इस तरीके से कुछ डिसएडवांटेजेस म्यूचुअल फंड के हमें जरूर दिखते हैं, बट अगर नॉलेज पूरा नहीं रहेगा, स्टॉक मार्केट के एनालिसिस आप नहीं करते हो, आप आपके बिजनेस या प्रोफेशन में बिजी हो, तो म्यूचुअल फंड कैन बी अ गुड थिंग फॉर यू। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स व्हिच कैन एक्चुअली इंपैक्ट योर लाइफ। दैट इज, सबसे पहला एलिमेंट आता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों ये क्या होता है, इट्स सेम लाइक ईएमआई ऑफ बैंक। आप ईएमआई बैंक को भरते हो ताकि आपका लोन पूरा हो पाए, चुका पाओ लोन को, जिसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों होता है, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। हर महीना ये ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से कट होता है और आपके लोन वाले बैंक अकाउंट के पास जाता है। सेविंग अकाउंट से कट होकर आपके लोन वाले बैंक को ये पैसा मिलता है। उसी सेम तरीके से दोस्तों एसआईपी भी होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर रेगुलर बेसिस पर, मेनली मंथली, अगर आप सिलेक्ट करोगे मंथली, सो मंथली आपके सेविंग अकाउंट से पैसा कट होगा और वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स में। सो दोस्तों इस तरीके से आप सिस्टमैटिकली हर महीने 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 में पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। दिस विल हैव टू बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट है, आप पे एक साथ ज्यादा पैसों का बर्डन नहीं आएगा, और दूसरा बेनिफिट दोस्तों आपका बाइंग प्राइस जो है वो एवरेज बेसिस पर आएगा, क्योंकि मार्केट कभी हाई भी होता है तो कभी लो भी होता है, तो आपका एवरेज बाइंग का एडवांटेज आपको एसआईपी में जरूर मिलता है। दोस्तों एसआईपी एक बार पढ़ लेते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अलाउज एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड स्कीम, टिपिकली द इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन योर म्यूचुअल फंड मार्केट। ओके, नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जस्ट टेक वन एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सपोज मेरे सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपीज आ गए, अब एक साथ इकट्ठा ये 5 लाख मैंने शेयर मार्केट में, मतलब म्यूचुअल फंड में लगा देना सही नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 लाख को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा डेट प्लान में। अब डेट प्लान में मेरे 5 लाख पर मुझे मिलेगा रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट। एंड दोस्तों अगर मैंने उस डेट प्लान पर लगा दिया है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तो दोस्तों उस डेट प्लान से पैसा हर रेगुलर इंटरवल बेसिस पर, दैट इंटरवल कैन बी मंथली क्वार्टरली, रेगुलर इंटरवल बेसिस पर मेरे डेट फंड से पैसा शिफ्ट हो जाएगा इक्विटी फंड में धीरे 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 धीरे। जब तक पैसा शिफ्ट नहीं हो रहा है, बैलेंस पैसा डेट पर है जिस पर मुझे मिल रहा है इंटरेस्ट, और जैसे जैसे पैसा शिफ्ट हो रहा है इक्विटी में, तो दोस्तों इक्विटी में मेरा शेयर प्राइस बढ़ रहा है। दोनों एडवांटेज एक साथ मिलते हैं। एट द सेम टाइम एवरेज बाइंग भी हो रहा है, क्योंकि आप इकट्ठा पैसा इक्विटी में नहीं लगा रहे हो, धीरे धीरे पैसा शिफ्ट हो रहा है। पढ़ते एक बार दोस्तों एसटीपी के बारे में। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इज अ स्ट्रेटेजी वेयर द इन्वेस्टर ट्रांसफर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम वन कैटेगरी ऑफ फंड टू अनदर कैटेगरी ऑफ फंड, मेनली डेट फंड टू इक्विटी फंड। एसटीपी हेल्प्स टू कीप अ बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, बिकॉज कुछ पैसा डेट में तो आपका रिस्क थोड़ा कम है, बट कुछ पैसा इक्विटी में तो आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो आपका रिस्क भी बैलेंस्ड है। एट द सेम टाइम डेट से रिटर्न्स कम आते हैं, मगर इक्विटी से रिटर्न्स ज्यादा आते हैं, तो आपका रिटर्न्स भी बैलेंस्ड है। सो रिस्क एंड रिटर्न दोनों बैलेंस करना होगा। ये एसटीपी उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों जिनके पास बल्क वॉल्यूम ऑफ पैसा इकट्ठा आता है। एसटीपी एसडब्ल्यूपी, इसके बारे में तो काफी लोगों को पता ही नहीं है, बट शायद ये पिक्चर आपको क्लियरली बता पाएगा कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है। एक तरफ है आपका म्यूचुअल फंड कंपनी, दूसरी तरफ है आपका बैंक, एंड सिस्टमैटिकली म्यूचुअल फंड कंपनी से आपके बैंक अकाउंट में पैसा शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों ये क्या तरकीब है, जस्ट इमेजिन दोस्तों, फ्रॉम द एज ऑफ 25 यू स्टार्ट अर्निंग एंड यू स्टार्टेड योर एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीना जब तक आप अर्निंग एज में हो, तब तक आपने एक रेगुलर अमाउंट, लेट अस से 25,000 शिफ्ट करते रहे इन म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। एट द एज ऑफ 50 यू वांटेड टू रिटायर, नो प्रॉब्लम। यू आर नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, देयरफॉर यू विल नॉट गेट पेंशन, नो प्रॉब्लम। दिस इज द सॉल्यूशन। दोस्तों क्या होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, पढ़ लो तो आपको जानकारी होगी। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज अ सर्विस ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड which provides investor with a specific amount of payout at a predetermined time interval, maybe monthly or maybe quarterly. तो आपने जो भी determine किया रहेगा time interval, वो monthly या quarterly हो सकता है, और आपके mutual fund से withdraw होते रहेगा पैसा और आपके saving account में पैसा आते रहेगा। That is a sort of pension दोस्तों। Why do you require to become a government employee? You have this wonderful plan with you. So 25 की age से कमाओ, हर महीना ट्रांसफर करो एसआईपी में। 50 की एज में अगर आप रिटायर भी होना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, 50 की एज के बाद एसडब्ल्यूपी लगा दो आपके म्यूचुअल फंड पर। इसके फायदे दो होंगे,
नंबर वन फायदा, आपके बैंक अकाउंट में आपके हर महीना पैसा आते रहेगा या क्वार्टरली पैसा आते रहेगा, आपका घर खर्चा आराम से चलेगा। नंबर टू फायदा, जो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो वो अभी भी म्यूचुअल फंड के पास है, जो ग्रो होते जा रहा है और आपके फ्यूचर रिटायरमेंट्स के और इयर्स के लिए काम में आते रहेगा। अ वेरी पावरफुल टूल, इट्स सॉर्ट ऑफ पेंशन दोस्तों, विच इज कॉल्ड एज SWP। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज NAV? मैंने आपको बोला है दोस्तों, जैसे शेयर का प्राइस होता है वैसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स का होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। जस्ट इमेजिन, मैंने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, आपने दिया, बहुत सी पब्लिक ने दिया, जितने व्यूअर्स है सबने दिया, एंड दोस्तों ये सब पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आ चुका है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी इन सब पैसों को चार अलग अलग स्टॉक में लगाती है, लेट अस से स्टॉक ABCD। इन चार स्टॉक में कंपनी ने पैसा लगा दिया, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, बाजू में प्राइस है और टोटल वैल्यू है हमारे इन्वेस्टमेंट का, विच इज अप्रोक्सीमेटली इन माई एग्जाम्पल 4 करोड़ 20 लाख। नो प्रॉब्लम, ये 4 करोड़ 20 लाख आज का मार्केट वैल्यू है जितने भी शेयर म्यूचुअल फंड कंपनी ने हमारे बिहाफ पे खरीदे। आज उसमें से जो भी लायबिलिटीज है वो लेस कर दो, जैसे कि मैंने एक ही लायबिलिटी रखा है मैनेजमेंट का फीस, एक नॉमिनल अमाउंट रखा है 30,000, वो लेस करने के बाद अपने टोटल पैसों का आज वैल्यू हो रहा है 4 करोड़ 19 लाख 70,000। एंड दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने बेचे पैसे लेने के लिए, वो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे एग्जाम्पल में 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ 19 लाख 70,000 को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 40 लाख से, एक्चुअली 40 लाख से डिवाइड करने के बाद पर यूनिट जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। ये एक सिंपल सा उदाहरण है दोस्तों, जिससे आपको एनएवी समझ पाए, इसलिए मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल रखा है नेट एसेट वैल्यू समझाने के लिए। इन शॉर्ट, हमारे फंड्स का टोटल वैल्यू माइनस ऑल द लायबिलिटीज विल गिव यू नेट एसेट वैल्यू, दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यूड बाय म्यूचुअल फंड विल गिव यू पर यूनिट वैल्यू, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेट एसेट वैल्यू। नाउ फ्रेंड्स, आप जब भी म्यूचुअल फंड बेचोगे तो NAV पर बेचते हो और उसके बाद चार्जेस डिडक्ट करके म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पैसा दे देता है, वो जो चार्जेस है उसे बोलते हैं एग्जिट लोड। जब आप खरीदते हो म्यूचुअल फंड, वो भी नेट एसेट वैल्यू पर ही खरीदते हो, बट उसमें म्यूचुअल फंड चार्ज ऐड करता है, उसे बोलते हैं एंट्री लोड। आजकल सेबी रेगुलेशंस की वजह से एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड दोनों भी बहुत ही कम परसेंटेज में आ रहे, पहले बहुत ज्यादा परसेंटेज हुआ करता था इनका। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप होते हैं म्यूचुअल फंड के बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बताऊं तो अलग अलग टाइप क्या क्या है, इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड, बैलेंस्ड फंड, टैक्स सेविंग फंड, स्टेट फंड्स एंड लिक्विड फंड। सबसे पहले इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो दोस्तों, इंडेक्स फंड वो फंड होता है जो सेंसेक्स, निफ्टी ऐसे अलग अलग तरीके के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा फंड है इक्विटी फंड, जो शेयर मार्केट, इक्विटी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। बैलेंस्ड फंड वो पैसा होता है, वो फंड होता है दोस्तों कि कुछ पार्ट उसका इक्विटी में है तो कुछ पार्ट उसका डेट में है, डेट में मतलब लोन में है। नेक्स्ट फंड इज कॉल्ड एज फ्रेंड्स टैक्स सेविंग फंड्स। टैक्स सेविंग फंड्स आपका ELSS स्कीम होता है, जिसके इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको मिलता है ATC में बेनिफिट, विच इज नथिंग बट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आता है डेट फंड। डेट फंड वो होता है दोस्तों जो आपका पैसा कंपनी के डेट में लगा देता है, मतलब आपसे पैसा लो और किसी कंपनी को डेट दो, मतलब लोन दो, रेगुलर बेसिस पर उससे इंटरेस्ट आता है जो आपको मिलते रहेगा। एंड लास्ट इज लिक्विड फंड। लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को लोन पे पैसा देना इस फंड के थ्रू हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज लिक्विड फंड। नाउ फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ फंड्स अगर मैं मैच्योरिटी के बेसिस पर बताऊं तो दो तरीके के फंड्स होते हैं, काफी बार ये नाम सुना है, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड इज नथिंग बट एनी टाइम यू कैन एंटर यू कैन एग्जिट, दैट इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड फंड। सिर्फ न्यू फंड ऑफर जिसको NFO बोलते हैं उस वक्त ही आप एंटर नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप एंटर कर सकते हो, उसे हम ओपन एंडेड बोल सकते हैं। आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, उसे हम ओपन एंडेड बोलते हैं। बट क्लोज एंडेड क्या होता है दोस्तों, तो क्लोज एंडेड में आप एक बार एंट्री कर लो NFO के वक्त, दैट इज न्यू फंड ऑफर के वक्त, और उसके बाद आप वापस तब तक नहीं जा सकते जब तक इसका मैच्योरिटी नहीं होता है। इसके अंदर आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, मतलब एक टेंटेटिव 3 इयर्स 5 इयर्स का फिक्स मैच्योरिटी, या फिर एक दूसरा भी उसके अंदर प्लान आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान। कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान आपको विश्वास दिलाता है कि आपने जितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया उतना तो हम सिक्योर करके रखेंगे, मतलब वो वैल्यू नीचे आने नहीं देंगे, वो वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो उस वैल्यू तक आएगी मगर उससे नीचे नहीं जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट बैलेंसिंग ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट। यूजुअली ये जो फंड होता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, ये लोग 80% डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये स्ट्रेटेजी से थोड़ा रिस्क एलिमेंट कम है, इस वजह से आपका कैपिटल तो एटलीस्ट प्रोटेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान। एंड फ्रेंड्स, नाउ
टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट गोल. आप एंड में गोल क्या रखते हो? अगर आपका गोल होगा ग्रोथ, मतलब आपका पैसा आपको फास्ट रेट से बढ़ाना है, तो दोस्तों आपकी एज ना रिस्क टेकिंग एज होना चाहिए, यंग एज होना चाहिए. एंड दोस्तों अगर आपकी एज यंग है तो आप ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट करो, जिससे आपका पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा. आपको डिविडेंड रेगुलरली नहीं मिलते रहेगा, आपका डिविडेंड भी रीइन्वेस्ट होते रहेगा और आपका फंड कंपाउंडेड रेट से आगे बढ़ जाएगा. कंपाउंडेड क्या होता है दोस्तों, ये हम अगले वीडियो में भी कवर करेंगे. कुछ टाइम में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी हम लोग देखने वाले हैं हमारे फ्राइडे लेक्चर्स में. एंड दोस्तों दूसरा जो टाइप का फंड होता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड फंड. जिनको रेगुलर बेसिस पर इनकम की जरूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं डिविडेंड फंड में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वहां पर आपका डिविडेंड रीइन्वेस्ट नहीं होता है दोस्तों, आपको मिलता है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड फंड, रेगुलरली पेइंग यू डिविडेंड. एंड ग्रोथ फंड्स डू नॉट पे यू डिविडेंड, दे रीइन्वेस्ट योर डिविडेंड अमाउंट ऑल्सो टू गिव यू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. ये थे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स दोस्तों. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो चुका है कि आजकल म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं. म्यूचुअल फंड्स पिक्चर में क्यों आए? क्योंकि आपको शेयर मार्केट एनालाइज करने का टाइम नहीं है, आपको समय नहीं है कि आप अलग अलग स्क्रीन के सामने कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने बैठो, अलग अलग शेयर्स को वॉच करो और डिसाइड करो कि कौन से शेयर कब खरीदने कब बेचने. ठीक है, इतना समय नहीं है. हमारे पास थे म्यूचुअल फंड्स जो ये काम हमारे लिए करते थे, बट दोस्तों आजकल म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज्यादा हो गए. सो डेफिनेटली हमारे सामने एक नई समस्या आ गई है कि म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करना चाहिए. सो आई विल गिव यू वेरी सिंपल टेक्निक्स टू एनालाइज द म्यूचुअल फंड. सबसे पहले एनालिसिस के वक्त बी वेरी केयरफुल दैट यू सेट अ राइट बेंचमार्क. यू सेट अ राइट बेंचमार्क मतलब आप कौन से फंड को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, दैट शुड बी वेरी क्लियर. दोस्तों एप्पल्स शुड बी कंपेयर विद एप्पल, ऑरेंजेस शुड बी कंपेयर विद ऑरेंजेस. लाइकवाइज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू शुड कंपेयर दैट फंड विद अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, राइट. सो दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड की सेट राइट बेंचमार्क. यू शुड सिलेक्ट द राइट बेंचमार्क. बेंचमार्क मतलब जिनके साथ आप कंपैरिजन करते हो फंड का. दूसरा, नो व्हेन गुड परफॉर्मेंस, गुड फंड परफॉर्मेंस कैन बी बैड. एक अगर फंड बुरे टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डोंट बी इम्प्रेस्ड दोस्तों, बिकॉज बुरे टाइम में जब सब फंड्स बेकार परफॉर्म कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियल क्यों हुआ ये देखना जरूरी होता है दोस्तों. सो दैट टाइम वी कैन से दैट कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस भी बुरा होता है, क्योंकि अगर बुरे टाइम में जब पूरे फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और एक फंड एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है अच्छा, सो माइट बी पॉसिबल कि उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी चल सकती है. यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. नेक्स्ट इज कंसिडर द मार्केट एंड इकोनॉमिक सिचुएशन. जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सो डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा फंड परफॉर्मेंस कम होगा. जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सो डेफिनेटली उस टाइम पे मार्केट ऊपर चला गया है. कल का मार्केट 51,115 था दोस्तों. सो दैट शोज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड ऑन अवर शेयर मार्केट विच इवेंचुअली इफेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो. So, दोस्तों मार्केट कंडीशंस को कंसिडर करके फंड का परफॉर्मेंस देखा करो. एंड लास्टली, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम 5 से 10 साल का हॉरिजॉन टाइम आपके दिमाग में रखो और फिर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखो. लगभग कोई भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ना दोस्तों 5 साल से 10 साल के ये ब्रैकेट में देखा जाता है. एक आध 2 साल में कुछ नहीं होता है दोस्तों. कभी कभी एक आध साल कोई म्यूचुअल फंड के लिए खराब भी हो सकता है. दैट डज नॉट मीन कि उसका फंड मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. इट जस्ट मीन्स दैट जिस सेक्टर में वो है उसका कुछ ऊंचा नीचा चल रहा होगा. ओके, नाउ टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड में, तो जब आप निवेश करते हो मतलब इन्वेस्टमेंट करते हो तब देखना होता है अलग एस्पेक्ट में, और जब आप विड्रॉ करते हो तो अलग एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट के अंदर से 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं. एक टैक्स सेविंग जिसको हम ATC या ELSS स्कीम बोलते हैं, और दूसरा अदर स्कीम्स जो ATC में नहीं आते, माने कि वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम नहीं है. ओके, तो जब आप विड्रॉल करते हो तब भी आपको बहुत केयरफुल रहना होता है दोस्तों, क्योंकि आप या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आओगे या तो लॉन्ग टर्म में आओगे. अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ कर दोगे पैसे तो शॉर्ट टर्म में आ जाओगे, अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में जाओगे. दोस्तों जब आप शॉर्ट टर्म में जाते हो तो 2 तरीके का टैक्सेशन लग सकता है आपको विड्रॉल के वक्त. पहला इक्विटी स्कीम, आपका जो विड्रॉल हो रहा है अगर वो ELSS इक्विटी स्कीम्स में है तो डेफिनेटली आपको टैक्स लगेगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस केस में 15% का लगता है. और अगर आप अदर स्कीम्स में से विड्रॉल कर रहे हो शॉर्ट टर्म में मतलब विद इन 1 ईयर में,
तो दोस्तों आपको योर स्लैब रेट के अनुसार टैक्सेशन लगेगा। अगर आप 20% स्लैब में आते हो तो 20% टैक्स भरना पड़ेगा, 30% ब्रैकेट में आते हो तो 30% भी लग सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर स्लैब रेट यू हैव टू पे द टैक्स। ओके, दैट इज फॉर अदर स्कीम्स। फॉर इक्विटी स्कीम्स द फ्लैट रेट इज 15%। एज फार एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज कंसर्न फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, एक साल से ऊपर, तो उसमें भी अगर आपने इक्विटी स्कीम्स में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और आपका गेन 1 लाख के ऊपर है तो ऑब्वियसली आपको टैक्स लगेगा 10%, और अगर आपका गेन 1 लाख के अंदर है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है इस पर। एंड दोस्तों अगर आप अदर स्कीम्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो और आप लॉन्ग टर्म के बाद उसे विड्रॉ करते हो तो आपको 20% का टैक्सेशन लगेगा, बट यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। जो लोगों को इंडेक्सेशन पता नहीं है दोस्तों, आप सीए को कंसल्ट कर सकते हो इंडेक्सेशन क्या होता है। ओके, नाउ दैट इज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन के एंगल से एंड विड्रॉल टैक्सेशन के एंगल से। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दोस्तों। म्यूचुअल फंड एक ऐसा टेक्निक है जिसकी वजह से आप आपके ये जो म्यूचुअल फंड का जो इंस्ट्रूमेंट है इसे यूज कर आपके होम लोन का इंटरेस्ट जीरो कर सकते हो। अगर आपने होम लोन लिया रहेगा दोस्तों या आपके पेरेंट्स ने होम लोन लिया रहेगा तो आप उन्हें जरूर इस सेशन के बाद एडवाइस दीजिए कि हमने जो लास्ट में डिस्कस किया वो क्या था। ओके दोस्तों, तो लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज। एग्जांपल के तौर पे डिटेल्स ऑफ लोन ले लेते हैं। सपोज हमने लोन ले लिया है 40 लाख का, नो प्रॉब्लम, होम लोन तो हर कोई इंडियन लेता है, 40 लाख का लोन कोई बड़ी बात नहीं है। टेन्योर लिया 20 इयर्स, क्योंकि 20 इयर्स के लिए होम लोन मिलता है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज अभी तो 6 and 7% चल रहा है, बट हमने 9% लिया, कंजर्वेटिव बनते, थोड़ा नेगेटिव साइड से सोचते, फिर भी म्यूचुअल फंड कैसे फायदे में रहेगा मैं वो आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, ईएमआई अमाउंट आपका 36,000 राउंड फिगर आता है, मैंने एग्जैक्ट ईएमआई नहीं लिखा है ताकि हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाए समझने के लिए। नाउ दोस्तों अगर आप कैलकुलेटर लोगे और अगर आप देखोगे कि आप पूरे 20 सालों के ड्यूरेशन में अगर हर महीने 36,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 20 सालों में कितना पैसा पे करते हो बैंक को, तो जरा कैलकुलेटर उठाइए और देखिए आपका पेमेंट 36,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 इंटू 20 इयर्स, तो दैट कम्स टू 86,40,000 दोस्तों। 20 सालों में 240 मंथ्स होते हैं दोस्तों, एंड एवरी मंथ यू आर पेइंग 36,000, इसलिए आपका टोटल पेमेंट जो बैंक को जा रहा है वो है 86,40,000, जबकि आपने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया केवल 40 लाख। इसका मतलब पूरे 20 सालों में आपने बैंक को इंटरेस्ट कितना देना है इज 46,40,000, 46,40,000 दोस्तों, विच इज मोर देन योर प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। Yes, दिखने के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9% दिख रहा है, बट दोस्तों आप देख रहे हो आपका प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा तो आप इंटरेस्ट भर रहे हो। अब देखिए कि ये सब इंटरेस्ट 46,40,000 का इंटरेस्ट आप कैसे जीरो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो केवल 1% ऑफ योर ईएमआई, जो इंसान हर महीने 36,000 दे सकता है बैंक को इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई, वो उस ईएमआई का 10% मतलब 3,600, यहां पर मैंने राउंड फिगर 4,000 ले लिया फॉर कैलकुलेशन इजी पर्पस। तो दोस्तों हर महीने आपको सिर्फ ईएमआई का 10% भरना है, माने कि सिर्फ 4,000 भरना है, एंड इक्वल टू द टेन्योर ऑफ योर लोन भरना है, मतलब 20 सालों के लिए भरना है, मतलब आप 4,000 हर मंथ भरोगे 214 मंथ्स के लिए। सो दोस्तों आप रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो 15% का, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड जनरली रेट ऑफ रिटर्न देते हैं 12 से 18% का, ना 12 लेंगे कम ना 18 लेंगे ज्यादा, इन दोनों का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे 15%। सो दोस्तों 20 सालों के इस हॉरिजॉन में अगर सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं सिर्फ 15% भी कंसिडर करता हूं ना दोस्तों, सो मेरा जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है म्यूचुअल फंड के साथ, दैट इज एवरी मंथ 4,000 इंटू 240 मंथ्स, दैट इज 9,60,000, सिर्फ 9,60,000 आपको भरना है 20 सालों के टेन्योर में। एंड यू नो व्हाट, योर मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 20 इयर्स विल बी अ वेरी शॉकिंग फिगर फॉर यू दोस्तों, यू विल गेट 59,60,000 फ्रॉम म्यूचुअल फंड। हाँ दोस्तों आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, क्योंकि एक्सेल शीट से निकाले हुए कैलकुलेशन से 59,60,000 आपके 9,60,000 की वैल्यू बढ़कर हो चुकी है, वेयर एज आपने इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 9,60,000 किया है। इसका मतलब ये पूरे इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने जो गेन कमाया है, जो अर्निंग कमाई है, वो 50 लाख की कमाई है दोस्तों, 50 लाख की अर्निंग कमाई है। आपने ऊपर इंटरेस्ट कितना भरा 20 सालों में, देखो कलर चेंज हो गया,
46,40,000 नीचे आप कमा कितना रहे हो दोस्तों 50 lakhs ऑलमोस्ट मोर देन योर इंटरेस्ट व्हिच यू पेड टू बैंक। दोस्तों सिंपल तरकीब ये है, जितना ईएमआई आप बैंक को भर रहे हो उसका 10% आपको एसआईपी शुरू करना है। एक बात याद रखिए, उस एसआईपी की कभी मार्केट वैल्यू देखिए मत। 20 सालों तक शांति से जैसे ईएमआई भर रहे हो वैसे एसआईपी भरते रहो, और धीरे 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 जैसे ईएमआई स्टॉप हो गया 20 सालों बाद, यहाँ पे एसआईपी भी स्टॉप कर लो और आप देख सकते हो आपके एसआईपी की वैल्यू जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया अगर मैं उसमें से माइनस भी कर दूं तो आपका गेन अमाउंट विल बी मोर देन और इक्वल टू योर इंटरेस्ट पेड टू बैंक। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसके थ्रू ये सब हो सकता है। देयरफॉर आई ऑलवेज एडवाइस कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, बट नॉलेज रख कर करना। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ये भी एक बहुत बड़ी काम, यू नो यू कैन से रिसर्च वाला काम है, बट डेफिनेटली एक वन टाइम रिसर्च इज वर्थ इट एंड यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। Whatever I am showing you in front of you, this has been as usual done by my group of students. These are the students who worked hard for making this presentation possible in front of you, dosto. Agar aapko ye presentation aur ye aaj ka video pasand aaya, to these are the guys who really deserve a round of applause from our side. And dosto, main hu CA Prashant Sarda. Agar aapne ab tak mere channel ko subscribe nahi kiya rahega, to please subscribe. Don't forget to hit the bell icon. And dosto, every Friday we will come live 7 PM and we will have a wonderful session like this on different financial aspects. Agar aapko ye video pasand aaya hoga, to dosto, I will insist, please like the video, because ye like ki wajah se it motivates me to make more videos for you and present in front of you. Dosto, mutual fund sahi hai agar aapka knowledge sahi hai. So lastly, I will put it this way, dosto, investment jo hai na wo ek marathon hai, wo koi race nahi hai. Investment is like a marathon, it's not a race, so don't hurry to make the investment. And at the same time, dosto, mutual, you know, investments, any type of investment should be rather boring and not exciting. क्योंकि दोस्तों बोरिंग इन्वेस्टमेंट रहेगा ना तो इसका मतलब आप शांति से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट रहेगा ना दोस्तों, तो एक्साइटमेंट में जो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई लो होता है ना, उसमें हमारा पैसा शायद कुछ ही समय में डबल भी हो सकता है, बट कुछ ही समय में जीरो भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आरबीआई बार बार बोलता है, सतर्क रहिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फ्रेंड्स, सून वी हैव टू गेट द सिल्वर प्ले बटन फॉर आवर चैनल। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 75,000 का बेंचमार्क। I'm so happy for all your support and I'm soon here to present you the silver play button in few months time if your support is with me. Thank you very much friends. I will